हेलो बच्चों, कैसे हो? आज देखो, मैं आप लोगों को पंचक्सन मार्क्स यानी पंचक्सन मार्क्स और कैपिटल लेटर्स ये सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए, हम आपको क्या सिखा रहे हैं और किस तरीके से हमें लिखना होता है। सबसे पहला ये है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप को इस तरीके से पॉइंट से लिखा जाता है। दूसरा है कोमा। कोमा बोलते हैं इसको, इस तरीके से लिखा जाता है। यानी कि हमें ऐसा करके इस तरीके से एक दो नाम लिखे होते हैं, या दो ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको अलग अलग करने के लिए लिखते हैं। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग इस तरीके से किया जाता है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं इसको हिंदी में। और ये प्रश्न के जो वाक्य होते हैं इनमें सबसे लास्ट में लिखा जाता है। फोर्थ है कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स जो हम कैपिटल जो लेटर होते हैं ABCD के, इनको हम लिखते हैं। ये कोई भी नाम हो उसके पहले आते हैं, या फिर जब हम शुरुआत करते हैं किसी सेंटेंस की तब इनका प्रयोग किया जाता है सबसे पहले। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। राधा, अब देखिए इसके अंदर मैं आपको सब एक साथ बताने जा रहा हूँ। राधा, राधा ये है इसके अंदर पहला हमारा ये कैपिटल लेटर आएगा, क्योंकि राधा है वो पहला अक्षर है, इसलिए इसको कैपिटल लेटर के रूप में राधा का ये पहला अक्षर जो हमें आर है वो कैपिटल करना पड़ेगा। इसी तरीके से ये जो गीता का जो जी है वो कैपिटल लेटर में नहीं है, ये हमें जी कैपिटल लेटर में करना है। नेक्स्ट है नेहा। नेहा का एन कैपिटल में करना है। और इसी तरीके से ये जो पिंकी है, पिंकी का पी है वो हमें कैपिटल में करना है, ये हम कैपिटल लेटर में कर देते हैं। अब उसके बाद में हम ये देखते हैं कि ये नाम है, इनको अलग अलग करने के लिए हमें कोमा का प्रयोग करना है। तो हम कोमा, यहाँ कोमा लगाएंगे। राधा, उसके बाद में हल्के से रुकते हैं, राधा गीता, फिर यहाँ रुकेंगे, और नेहा एंड पिंकी। तो यहाँ हमें कुछ नहीं लिखना है। अब उसके बाद में देखते हैं कि ये सेंटेंस अपना पूर्ण हो चुका है। सेंटेंस पूर्ण हो चुका तो हमें फुल स्टॉप लगाना होता है। ये फुल स्टॉप हमने यहाँ लगाया। अब इसके बाद में अगला जो वाक्य है वो देखिए, कम हियर। कम हियर ये पहला अक्षर है, तो पहला अक्षर है तो हम इसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे। सी, सी हमने कैपिटल में कर दिया। कम हियर, अब ये वाक्य पूर्ण हो चुका तो हम इसको फुल स्टॉप लगा देंगे। लास्ट जो अपना सेंटेंस है वो है ये। अब देखिए इसमें W अपने को कैपिटल करना है। W अपने को कैपिटल करना है, कैपिटल करना है, क्योंकि फर्स्ट लेटर है इसलिए ये कैपिटल होगा। उसके व्हाट इज योर नेम, नेम के अंदर हमने लास्ट में कुछ नहीं लिखा है इस सेंटेंस में, तो हमें मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाना है। इस प्रकार से ये अपना पंक्चुएशन मार्क्स और कैपिटल लेटर का जो चैप्टर है इसका फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट हुआ।